हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता है यहाँ पर। मैं हम लोग जो है आज एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और सीरीज जो है ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसका सिलेबस वाइज और विद द सब टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सिलेबस में है वो है आपका सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में जो सब टॉपिक है उसमें आपका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की हम लोग बात करें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, ये सबसे पहले जो है प्रपोज किया था दो साइंटिस्टों ने, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ओके, तो और इनका जो था कि जो मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोटीन बीच बीच में होते हैं जिसको फ्लूइड मोज़ेक बोला जाता है। तो दो लिपिड क्या है लेयर बनता है, आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट का। ओके, और बीच में क्या है प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, और प्रोटीन भी दो तरीके का होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इतना जानते रहेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दो लीफलेट होते हैं, एक आउटर लीफलेट होता है और एक इनर लीफलेट होता है जो कि लिपिड बायलेयर से बना होता है, और बीच बीच में क्या है प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, जो लिपिड्स है वो भी क्या है थ्री टाइप्स के होते हैं। ओके, एक को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, दूसरे को बोलते हैं स्फिंगोलिपिड्स, और तीसरे को स्टेरॉल बोलते हैं। और स्टेरॉल का एग्जाम्पल क्या है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल है। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में अगर जो हम देखें तो प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स इससे मिलकर बना होता है, एकदम करेक्ट है। और ये ऑप्शन क्या है सही है। सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग, सेलुलोज एंड लिपिड, सेलुलोज तो यहाँ पर नहीं होता। तीसरा है आपका प्रोटीन एंड सेलुलोज, तो यहाँ पर सेलुलोज फिर से नहीं होता है। तीसरा है फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होता। तो लिपिड एंड प्रोटीन तो होता है लेकिन सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो सही करेक्ट आंसर इसका क्या है फर्स्ट। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विथ प्रोटीन अटैच्ड और इम्बेडेड इन इट। ओके, इम्बेडेड का मतलब बीच बीच में इम्बेडेड रहता है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विच लिपिड, लिपिड की हम लोग बात कर रहे हैं, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग मेम्ब्रेन फ्लूडिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इसमें है कि लिपिड जो बायलेयर है फ्लूडिटी को कौन डिफरेंट टेम्परेचर पे कौन रेगुलेट करता है। तो अगर हम देखें जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि तीन जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं आपका, फॉस्फोलिपिड्स होता है, स्फिंगोलिपिड्स होता है और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये फ्लूडिटी को क्या करता है रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, अगर टेम्परेचर क्या हो आपका हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा जनरली क्या होता है लिपिड्स क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो जो लिपिड है उसकी उसकी भी फ्लूडिटी क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। लेकिन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्या करता है उसको थोड़ा रोक के रखता है ताकि फ्लूडिटी क्या हो बहुत हाई ना हो जाए। और अगर टेम्परेचर क्या हो आपका, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर जाए तो जो लिपिड फ्लूडिटी है वो भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, जो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है इसको प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये दोनों को मेंटेन करके रखता है, यानी हाई टेम्परेचर पे फ्लूडिटी को बढ़ने से रोकता है और लो टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन से रोकता है। तो इस तरह से ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूडिटी प्रिवेंटिंग एक्सेसिव सॉलिडिफिकेशन एट लो टेम्परेचर एंड एक्सेसिव फ्लूडिटी एट द हाई टेम्परेचर, दस कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच टर्म डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड विद इन द रिस्पेक्टिव लेयर ऑफ लिपिड बायलेयर। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है रिस्पेक्टिव लेयर्स, रिस्पेक्टिव लेयर मतलब होता है समझिए जो लिपिड बायलेयर है। ओके,
अगर ये दो लिपिड बाई लेयर है हमारे पास, एक जो है आउटर है, दूसरा क्या है इनर है। ओके, तो इसको हम लोग लिफलेट्स बोलते हैं, आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट, यानी मैट्रिक्स सेल। ये सेल के अंदर की बात हो रही है, ये आउटर ऑफ द, आउट ऑफ द सेल बात हो रही है। तो आउटर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर लिफलेट, और अंदर वाले क्या बोलते हैं हम लोग, इनर लिफलेट बोलते हैं। ओके, जब मॉलिक्यूल्स जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स आउटर में यहाँ पर मूवमेंट शो करते हैं, ओके, ये प्रोटीन वालों, तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जब लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए आउटर से इनर या इनर से आउटर की तरफ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मोड बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप जो है मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन आते हैं वापस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि विच टर्म डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेयर। रिस्पेक्टिव लेयर में अगर हो रहा है तो उस लिपिड वाले लेयर को क्या बोलते हैं, तो उसमें सिंपल है, फ्लिप फ्लॉप मैंने आप लोग को बता दिया, उसको लेटरल डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, लेटरल डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन लेटरल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो लेटरल डिफ्यूजन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड बिटवीन द सेम लेयर ऑफ द लिपिड लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन फ्लूडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब सारे से तो जो है फ्लूडिटी इन्फ्लुएंस होती है, एक से नहीं होता है। तो फ्लूडिटी के अगर हम लोग बात करें कि मेम्ब्रेन फ्लूडिटी कैसे मेंटेन होता है, इफेक्ट होता है, तो पहला क्या है, टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके एक्सप्लेनेशन को देखा, अगर टेम्परेचर क्या है बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या फ्लूडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ हो जाएगा, इन जनरली बढ़ जाएगा। दूसरा है, टेम्परेचर अगर घटा दिया जाए तो सॉलिडिटी बढ़ जाती है, यानी जो मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूडिटी है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्लूडिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है आपका जो लिपिड है वो अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है। ओके, तो अनसेचुरेशन के कंडीशन में फ्लूडिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, फ्लूडिटी इज इंक्रीज ड्यूरिंग द अनसेचुरेशन। और अगर सेचुरेशन बढ़ जाए तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, फ्लूडिटी डिक्रीज कर जाती है। ओके, फ्लूडिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इसके अलावा अगर लिपिड का जो लेंथ है, ठीक है, मतलब कार्बन लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, लिपिड का कार्बन लेंथ अगर क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो भी फ्लूडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं फ्लूडिटी के लिए ढेर सारे क्या है, जो ढेर सारे कारण जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, मेम्ब्रेन फ्लूडिटी किससे इन्फ्लुएंस होता है, एक्सेप्ट, तो टेम्परेचर से होता है बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट से होता है बिल्कुल, लेंथ ऑफ फैटी एसिड से होता है बिल्कुल, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन से नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था, व्हाइल प्रोटीन टू इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन फ्लूडिटी डू नॉट डायरेक्ट कंट्रोल इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव है, आयन चैनल। अब जो आयन चैनल है अलाउ द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन फॉलोइंग। अगर हम बात करें कि मेम्ब्रेन मूवमेंट क्या है, दो तरीके का होता है, एक होता है पैसिव मूवमेंट और दूसरा होता है एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, अब जो पैसिव मूवमेंट होता है ये हमेशा याद रखिए, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मूवमेंट होता है वो हमेशा कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन से तो लो कंसंट्रेशन से की तरफ, और इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक तरफ, जैसे मान लो ये लिपिड बाई लेयर है, अगर एक तरफ क्या है, कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, तो हमेशा जो मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये भी ऐसा मूवमेंट हो कि इधर क्या हो, कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो, हाई हो, तो मूवमेंट इस तरफ से दूसरी तरफ होने लगेगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्टिव। एक्टिव जो होता है ये भी दो तरीके का होता है,
प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है, डायरेक्टली यूज ऑफ एटीपी होता है, यहाँ पे डायरेक्टली यूज ऑफ एटीपी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन मूवमेंट है वो दो तरीके से होता है, पैसिव और एक्टिव। वो क्वेश्चन है कि पैसिव जो मूवमेंट है, ओके, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन फॉलोइंग, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज, चार्ज से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से तो बिल्कुल नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर से हो सकता है, लेकिन ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो केवल वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पे आयन चैनल्स की बात कर रहा है। तो आयन्स की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अगर हम देख ले तो आयन चैनल्स एबल आयन ट्रांसफर अक्रॉस द हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फैसिलेटिंग फैसिलिटेटिंग आयन मूवमेंट, आयन मूवमेंट अलोंग देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब हमेशा याद रखना कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, सोडियम पोटेशियम जो पंप है इट इज अ एक्टिव प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। तो क्वेश्चन अगर हम फिर से आ जाए, द सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आयन पंप that maintain the proper concentration of sodium potassium using, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तो है ही नहीं, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन भी क्या है, एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस बिल्कुल एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ऑस्मोसिस आप लोगों को पता है एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में या जो लिक्विड होता है उसके बारे में जो है डील करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इन टू द सेल। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या कर रहा है, ये सोडियम मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, और पोटेशियम मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अंदर कर रहा है। और सोडियम कितना बाहर निकाल रहा है, 3, और जो पोटेशियम वो कितना अंदर कर रहा है, 2। तो एक तरह से आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखें कि जो डिसबैलेंस हो रहा है आयन, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, मेम्ब्रेन ग्रेडियंट। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि सोडियम क्या है, 3 बाहर हो रहा है और 2 जो है पोटेशियम अंदर की तरफ हो रहा है, तो ये क्या है, जो आयन है वहां पे कंसंट्रेशन, उसके कंसंट्रेशन की वजह से क्या है, चार्ज डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अगर हम देखें तो आउटर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में होता है, और इनर जो मेम्ब्रेन होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज में होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हर जो सेल्स हैं उसका अपना एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ड्यूरिंग द रेस्ट पीरियड। तो रेस्ट पीरियड में है, यानी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं शो करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो रेस्टिंग आर एम पी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो हम लोग देखते हैं जो है नर्व सेल्स का, तो नर्व सेल का जो आर एम पी होता है वो होता है लगभग -70 mV। तो क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं फिर से, क्या पूछ रहा है कि हाँ ये तो आंसर हो गया, अब नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरी ड्यू टू, तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो क्यों हो रहा है, ऑप्शन क्या है इसमें, इसमें क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में तो वाटर मॉलिक्यूल्स से कोई मतलब नहीं है, द प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स, इससे भी कोई खास मतलब नहीं है, द मूवमेंट ऑफ आयंस, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है तो मूवमेंट ऑफ आयंस से हो सकता है,
अरेंजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, नहीं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से बहुत कोई खास मतलब नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो क्या, द सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम इनटू द सेल। तो आउट ऑफ द सेल सोडियम कितना जा रहा है, 3 मॉलिक्यूल जा रहा है, और पोटेशियम विद इन द सेल कितना जा रहा है, 2 मॉलिक्यूल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, इसलिए क्या है, एटीपी इज यूज फॉर द प्रोसेस दिस नोन एज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है ये भी 3 टाइप्स का होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्या है एटीपी का यूज हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं एटीपीएस बोलते हैं। तो एटीपीएस के बेसिक में 3 तरीके के एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं पी टाइप, दूसरे को बोलते हैं एफ टाइप, तीसरे को बोलते हैं आपका वी टाइप। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्या है आपके एटीपीएस यूज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फ्लूड मोजाइक मॉडल, अभी हम लोगों ने बताया कि 1972 में 1972 में दो साइंटिस्ट थे, सिंगर सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, निकोलसन। तो इन दोनों ने 1972 में क्या दिया था, फ्लूड मोजाइक मॉडल दिया था। उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, जो मेम्ब्रेन पाई लिपिड है, ठीक है, मेम्ब्रेन पाई लिपिड है वो तो फ्लूड है, लेकिन बीच बीच में प्रोटीन क्या करता है उसको ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये ऑप्शन पूछ रहे हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। तो पहली बात तो ये डायनेमिक है बिल्कुल, जो लिपिड पाई लेयर है वो हमेशा घूमते रहते हैं, डायनेमिक है मतलब मूवमेंट उसमें होती रहती है। फिक्सेबल स्ट्रक्चर विथ प्रोटीन इम्बेडेड इन द लिपिड पाई लेयर, एकदम सही ऑप्शन है ये। तो इस तरह से देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फ्लूड मोजैक मॉडल डिपिक्ट द सेल मेम्ब्रेन फॉर ए डायनेमिक एंड फिक्सेबल स्ट्रक्चर, ओके, विथ वेरियस प्रोटीन इम्बेडेड विद इन द लिक्विड पाइलियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पैन द इंटायर लिपिड बाइलेयर विथ पोर्शन एक्सपोज ऑन बोथ द साइटोप्लाज्मिक एंड एक्स्ट्रा सेलुलर साइट्स। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है कि जो प्रोटीन्स है, ठीक है, उसमें भी क्या है कि जो क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन स्पैन है, अब स्पैन का मतलब क्या होता है समझिए, कि जो हमारा लिपिड बाय लेयर है, ओके, लिपिड बाय लेयर है, लिपिड बाय लेयर के बीच बीच में क्या प्रोटीन इम्बेडेड होता है। तो ऐसे प्रोटीन्स जो लिपिड बाय लेयर को क्या कर सकते हैं, पार करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैन, स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन भी क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर की तरफ लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। तो इस तरह से 2 तरीके का प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, तो विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पैन द इंटायर लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड बाइलेयर इंटायर कौन सा है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंटीग्रल इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन आर इम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर स्पैन फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर साइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब देखिए जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो लिपिड, अब यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स पे क्या करते हैं, जो आउटर साइड होता है वहां पे खासकर प्रोटीन्स जो है जुड़ जाते हैं, ठीक है, और उस प्रोटीन के जुड़ने की वजह से क्या बनता है, 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। यानी ग्लाइको का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब मेम्ब्रेन पे लिपिड के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए या प्रोटीन्स के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन रिस्पेक्टिवली। आप जो
है कि सेल मेम्ब्रेन के किस साइड पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमेशा याद रखना है ये आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन है आपका बी एक्स्ट्रा सोलर साइड पर, ठीक है। वहां से हमको क्या करता है आंसर इसका है, सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द फ्लूडिटी ऑफ द लिपिड वैली इज प्राइमरी इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब फ्लूडिटी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, तो किससे इन्फ्लुएंस होता है। ऑप्शन है आपका द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल नहीं। द कंसेंट्रेशन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स, हाँ थोड़ा सा इससे इन्फ्लुएंस होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है। द लेंथ ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड, बिल्कुल जो लेंथ है और सेचुरेशन है फैटी एसिड्स का, ठीक है, इसके ऊपर टोटली ये डिपेंड करता है फ्लूडिटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एक्सप्लेनेशन देखें तो फैटी एसिड चेन लेंथ एंड सेचुरेशन इफेक्ट द पैकेजिंग या पैकिंग ऑफ फास्फो लिपिड्स एंड दस मेम्ब्रेन फ्लूडिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्वापोरिन, ओके। अब देखो जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है कि जो एक्वापोरिन है, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, ओके। अपोरिन का मतलब क्या होता है, वो तो वाटर जो है लगातार कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जो है ये मूवमेंट होता रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, एक्वापोरिन आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो ऑब्वियसली बात है वाटर मॉलिक्यूल का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक्वापोरिन आर द स्पेशलाइज्ड चैनल, ठीक है, फॉर द फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 13th जो क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप, फिर से बात आ गई। तो सोडियम पोटेशियम अगर हम पंप की बात करें तो लिक्विड वाले है, ये पंप हो गया, ठीक है। अब जब पंप हो गया तो बाहर की तरफ सोडियम जा रहा है, तो सोडियम कितना जा रहा है, तीन, तीन मॉलिक्यूल बच जाते हैं। और पोटेशियम, सॉरी जो पोटेशियम है वो अंदर की तरफ आते हैं, तो वहां पे दो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ, एक मॉलिक्यूल का फिर भी क्या है यहाँ पे लॉस हो रहा है इनर साइड में, तो इनर साइड का जो पोर्शन है वो सारा कैसा हो जाता है, लगभग निगेटिव। तो अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन की देखें तो ये क्या है, मेम्ब्रेन देखें तो ये क्या है, सॉरी ये निगेटिव है और बाहर की तरफ पॉजिटिव है, ओके। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हाउ मेनी सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल। तो तीन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सोडियम को आउट ऑफ द सेल करते हैं, और हाउ मेनी पोटेशियम इनसाइड द सेल। तो ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, दो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तीन सोडियम आउट, तो तीन सोडियम पहले देख लेते हैं आउट, दो ऑप्शन है यहाँ पे सी एंड डी, और टू पोटेशियम इन, करेक्ट, यहाँ पे क्या है थ्री पोटेशियम इन, जो कि गलत है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है इट इज द राइट आंसर। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें, द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट थ्री सोडियम आयंस आउट ऑफ एंड टू पोटेशियम आयन इन फॉर ईच साइकिल बाय यूजिंग द एटीपी। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो वहां पे एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। अब मैंने आप लोग को बताया था कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें दो तरीका होता है, एक तो यार डायरेक्टली क्या है एटीपी यूज हो जाए, या फिर वो कैसा करे को ट्रांसपोर्टर की तरह काम करे। तो सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज जो को ट्रांसपोर्टर है ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये भी पार्ट ऑफ क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है, लेकिन यहाँ पर एटीपी का यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे जो सेकेंडरी और प्राइमरी की बात ही नहीं किया गया, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगर हम देखें कि सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट बोथ सोडियम एंड ग्लूकोज अगेंस्ट देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। तो प्रॉपर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू सेल बाय हार्सनिंग एनर्जी फ्रॉम को ट्रांसपोर्टिंग पोर्टिंग टू सोडियम आयन वाया सिंपोर्ट मैकेनिज्म विदाउट यूजिंग एटीपी, दस नोज एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके।
ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। अब पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट ड्रिंकिंग, ठीक है? तो वाटर ड्रिंकिंग का मतलब क्या है कि जो आउटसाइड कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल या डिजॉल्व मॉलिक्यूल है जो जरूरत है बॉडी सेल को, तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। और इसको वेस्ट वर्जन, इसको हम क्या बोलते हैं, जो है वाटर ड्रिंकिंग बोलते हैं उसको बाय द सेल। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है लार्ज पार्टिकल, नहीं सॉलिड पार्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, इंगल्फ कर रहता है। तो यहाँ पे लिपिड है और डिजॉल्व मॉलिक्यूल है, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन देंगे, तो पिनोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, ठीक है? इज अ टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस ऑफ वेयर द सेल्स ड्रिंक लिक्विड और डिजॉल्व मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आयन हैज अ हायर कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल अगर इनसाइड है तो यहाँ पर जो हायर कंसेंट्रेशन होगा किसका होगा, पोटेशियम का, सोडियम, सोडियम के कंपेयर में जो पोटेशियम है उसका कंसेंट्रेशन जो है इनसाइड द सेल वो ज्यादा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। तो इस तरह से देखते हैं, जो ऑप्शन है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सिंपल डिफ्यूजन है, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सिंपल डिफ्यूजन इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट इन्वॉल्व कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल मूव डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाय लेयर विथ देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। जब जब मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉरी मूवमेंट ऑफ जो आयंस है उसके वजह से क्या है, एक आयन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है यानी बहुत एक्टिव नहीं होता तो उसको लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। तो न्यूरॉन की अगर हम बात करें, न्यूरॉन सेल्स में, तो वहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो लगभग क्या होता है, -70 mV होता है, ठीक है? तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो हम लोगों ने भी जस्ट देखा था कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अगर लिपिड के साथ क्या हो, कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइको लिपिड्स बोलते हैं। अगर वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको प्रोटीन। तो पूछ रहे हैं कि जो प्राइमरी फंक्शन होगा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का वो क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर की तरफ है, आउटर सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, और वहां पे कोई ना कोई, चूंकि स्ट्रक्चर आउटसाइड में, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है और पूरे सेल को क्या करता है, रिकग्नाइज करता है या उसको सिग्नल ट्रांजेक्शन में ले जाता है। तो इस तरह से हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं, ट्रांसपोर्टिंग आयंस नहीं, ट्रांसपोर्टिंग आयंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, फैसिलिटिंग सेल सिग्नलिंग यस बिल्कुल हो सकता है, कैटलाइजिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर इज द थर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ग्लाइकोलिपिड आर इन्वॉल्व, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन सेल रिकग्निशन एंड कम्युनिकेशन, तो इट इज ड्यूरिंग द सेल सिग्नल। ये पहला सब टॉपिक हम लोगों ने आज इसको जो है कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है आपसे मिलेंगे सब टॉपिक में सेल बायोलॉजी के ही, तब तक के लिए।